सबसे पहले मैं शरभ भाई का थैंक यू करता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे बताया कि बाइक कैसे कैसे मॉडिफाई करानी है। सबसे पहला सवाल जो आप लोगों के दिमाग में आता होगा वो यही है कि दो तीन दिन से मैंने वीडियो अपलोड क्यों नहीं करी। एक्चुअली में मेरी ऑडियंस वेट कर रही थी। उसका जो सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं और एक मेरा भाई और है, वो भी यूट्यूबर ही है। सो उसका नाम है यार पी साइड। सो हम दोनों यार कॉलेज ने हमको स्पॉन्सर किया कि एक कॉलेज का मस्त सा व्लॉग बनाना है, तो हमारा पहला स्पॉन्सर व्लॉग अपना होने वाला है। इट मीन्स अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। सो डैट्स व्हाई हम उस पे काम कर रहे थे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स मॉन्स्टर व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं सब भाई लोग ठीक होंगे और मैं भी अगर ठीक बहुत ही बढ़िया। और गाइस जैसा कि आपको मैंने यार क्या बोला था कि अपनी एक बाइक मॉडिफिकेशन होके आने वाली है, अपने हवलदार साहब की बाइक है वो, ये पीछे आप देख पा रहे हैं, एक नंबर बाइक बन के आई है भाई साहब। बंदे ने बहुत खर्चा किया है। मैं वीडियोस में इस बाइक की हमेशा बोलता था कि ये बाइक काम नहीं करा रहा, बट फाइनली बंदे ने काम करा दिया। सो अभी सबसे पहले हम हवलदार से यार बात करते हैं, उसको यार कैसा लग रहा है अपनी बाइक इतनी अच्छी देखकर। उसके बाद आपको इस बाइक की पूरी वॉक अराउंड देते हैं, इसमें क्या क्या लगा क्या क्या नहीं लगा, तो मीन से कितने खर्चा आया है। और हाँ, ये बहुत ही मस्त मॉडिफिकेशन हुई है। ऐसी मॉडिफिकेशन मैंने यार गूगल पे ही देखी थी और आज अपनी रियल लाइफ में इसको मैंने देखा है। सबसे पहले हम करते हैं हवलदार साहब से बात। गाइस ये रहे अपने हवलदार साहब, बहुत सारी वीडियोस में आपने देखे होंगे, अपने प्यारे मित्र, हम इनके साथ ही रहते हैं, हमारा रूम इनका यार पास पास है। एक्चुअली मैं ये भी मेंढर से, मीन्स यार रजौरी से आगे एक जगह पड़ती है मेंढर पहुँच, आप सभी को पता ही होगा, ये वहाँ से। तो हवलदार साहब बिल्कुल अपने मीन से सच्चे दिल से बोलना कि आपको अपनी बाइक को इतना यार अच्छा देख कर आपको यार कैसा महसूस हो रहा है मॉडिफिकेशन करा के। सर मैं आपको क्या बताऊँ, सो गाइस सबसे पहले मैं शरभ भाई का थैंक यू करता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे बताया कि बाइक कैसे कैसे मॉडिफाई करानी है और कैसा पैसे कहाँ कहाँ लगाने हैं। बिल्कुल, सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया कि खर्चा कैसे करना है। उन्होंने मुझे फिर लेके गए मेरी बाइक और मुझे अच्छी तरह से बताया कि ऐसे ऐसे भाई पैसे लगाओ और खर्चा तो हो गया। ये हर वक्त मुझे बोलते थे कि आपकी बाइक सही नहीं है, तो फिर मैंने इनको बोला चलो आप ही मेरे साथ चलो तो मुझे अच्छी सी बाइक बना के दो। बिल्कुल, तो फिर हम गए और अपनी बाइक अच्छे से मॉडिफाई कराई। और जो भी देख रहे हैं भाई यूट्यूब पर तो सब बताना कि कैसी मेरी बाइक। बिल्कुल, नीचे कमेंट करना, कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने जो पैसे लगाए सही लगे कि गलत लगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर बताना इस बारे में। और मैं शरभ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं यार कोई नहीं, ये भाई अपना कोई नहीं, क्योंकि मैंने भी सोचा था कि बंदे की बाइक अच्छी मॉडिफाई होनी चाहिए क्योंकि अपने पास है, यूट्यूब पर आती रहेगी ये, हम यार जब तक हैं इकट्ठे ही हैं तो इन लाइफ भी इकट्ठे ही रहेंगे। हम यही दुआ करते हैं अपना हर किसी के साथ अच्छा बॉन्ड बना रहे। कैसी लगी मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, ये बाइक मैंने पहले गूगल पर ही देखी थी, अभी सर्च कर रहे हैं और आज अपनी रियल लाइफ में, तो ये देख लो गाइस सबसे पहले इसकी हमारी नजर पड़ती है एग्जॉस्ट पर। बट एक मिनट रुको, अभी हम चलते फटाफट से इसका, आपको पहले यार कुछ सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, उसके बाद एक 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 चीज करके मैं आपको इस बाइक की बताता हूँ। सो लेट्स गो। करते हैं हम शुरू से। हमारी सबसे पहले जो इस बाइक के ऊपर हमारी लुक पड़ती है वो रहा इसका SC प्रोजेक्ट मोटो GP एग्जॉस्ट या टेक्नोलॉजी SC का। इसमें हमने मीन्स प्रोजेक्ट का जो एग्जॉस्ट है वो डलवाया है और इसके ये जो रिम है इनको हमने नियोन कराया है, जो कि बहुत ही इसकी जो लुक है उसको एनहेंस कर रहे हैं। बट ये जो इसका SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट है ना भाई साहब, एक नंबर लोगों का रिएक्शन मत पूछो क्या रिएक्शन आता है। ये वाली टेपिंग जो है ये वाली भाई ने यार पहले की यार करवा के रखी थी और उसके बाद इसका ये जो इंजन है इसको यार पूरा मैट ब्लैक किया गया है। इसका इंजन पूरा बाहर निकाल के इंजन को रिपेयर करके इसको पूरा मैट ब्लैक किया गया है। देख लो ये पूरा पेंट वगैरह इसमें नया हुआ है। और ये इसका लेग गार्ड या प्रॉपर चेंज है,
ये लेग गार्ड भी न्यू पड़ा इसमें, क्योंकि यार पहले वाला था वो थोड़ा बहुत खराब हो रखा था। ये इसके फुट रेस्ट वगैरह भी नए पड़े हैं, मीन्स ऑल ओवर द बाइक में जो होती है ना नई चीज़, हर एक चीज़ यार नई पड़ गई है। इसके ये जो यार डिस्क पैड होते हैं ये भी, और यार पीछे वाले ब्लेड होते हैं यार ब्रेक लेदर, वो भी नए पड़े हैं, आगे वाले डिस्क पैड भी नए पड़े हैं। और ये रहे गाइस इसके ब्लिंकर्स, ये ब्लिंकर्स आप सभी को पता होगा जो कि यार KTM के ब्लिंकर्स हैं, वो डाले हमने इस बाइक पर, जो कि बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। मीन्स अब ये बाइक यार रात को चलती है ना तब एक नंबर लगती है, एक नंबर। फटाफट से सुनाते हैं इसकी एग्जॉस्ट की आवाज़, तो अपने हवालदार साहब अपने शुभ हाथों से इसको स्टार्ट करें। हवालदार साहब कीजिए स्टार्ट। ये थी इसकी आवाज़, आपने देख ली, कान अभी भी चूं कर रहे हैं ऐसे, बहुत ही लाउड आवाज़ है क्योंकि SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट है तो आवाज़ तो भाई साहब बनती है। अल्दो ये या DP किलर वाला नहीं है, बट मैंने बोला था कि या DP किलर वाला डालना है बट नहीं डाला, इसको हमने चेंज कराना है ड्यू टू सम ट्रैफिक इशू, यू नो चलान तो बड़ा तगड़ा कटेगा, बट हम फिर भी इसके एग्जॉस्ट को फिलहाल चेंज कराएंगे। एक दो कमी अभी यार अभी भी रह गई है, वो ये है कि एक इसमें यार हॉर्न नहीं पड़े, हॉर्न इसके हमने डलवाने थे, और इसका ये एग्जॉस्ट इसको वापस हमने निकाल कर दूसरा लगाना है। और अभी इसकी मैं छोटी सी यार लगाता हूँ राइड वो मीसा लंबी वाली नहीं, मैं फ़ोन से आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने ना अपना GoPro लाया ना हेलमेट, बट ऐसे ही ऊपर नीचे आप इसकी आवाज़ सुनो बस, बाकी और कुछ नहीं। तो भाई हमारे शरफ भाई आ चुके हैं, देखो आप आपने अभी यार राइड भी यार एंजॉय करी होगी। बाइक तो भाई साहब ऐसे जाती है जैसे यार सुपर बाइक जाती है, एकदम से अग्रेसिव इतनी। तो हम इधर ही करते हैं आज के व्लॉग को एंड, आई डोंट नो व्लॉग यार कितना बना होगा, जब एडिट करके तभी पता चलेगा, बट हाँ प्लीज़ यार सपोर्ट करो जितना हो सकता है, वीडियो शेयर करो। और हाँ ये स्पेशली वीडियो उनके लिए जो कि यार पल्सर लवर भाई हैं, उनके लिए वो भी मॉडिफिकेशन करा सकते हैं ज़रूर। और हाँ अपने हवालदार साहब आपको एक चीज़ यार बताना चाहेंगे कि हवालदार साहब आप ये बताइए ज़रूर बताना कि यार बाइक कैसी लगी है, बट हाँ आप ये बता दो कि यार कितना खर्चा आया बाइक के ऊपर। बाइक के ऊपर लग गया कोई 17-18 हज़ार रुपए इस बाइक के ऊपर, यार पल्सर 150 के ऊपर मॉडिफिकेशन कराने के लग गया। तो इस भाई साहब इसी बात से देख लो कि कैसी बनी बाइक, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब नीचे यार कमेंट करके जरूर बताना इस बाइक को यार खुश करना, ये जो अपना भाई है इसको यार बिल्कुल खुश करना, और अपने को भी सपोर्ट चाहिए शेयर करना। और हाँ इस बाइक में बहुत जल्द आपको एक मस्सा व्लॉग देखने को मिलेगा यार लंबी राइड का, अब ये भाई अपने साथ है तो इसी को साथ लेंगे और हम दोनों इसी बाइक पे जाएंगे, राइड पे जाएंगे। तो ठीक है गाइस करते हैं आज का व्लॉग एंड, होप करते हैं आपको व्लॉग अच्छा लगा, व्लॉग अच्छा लगा व्लॉग को लाइक कर, चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, और गाइस मिलते हैं बहुत जल्द किसी और अच्छे व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय टाटा लव यू ऑल।